नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। 2024 की लड़ाई अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जीत जाते हैं ना, तो वो अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत होगी। पिछले 70 साल के इतिहास की सबसे ऐतिहासिक जीत। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी की चुनौती सिर्फ कांग्रेस को समेटना, बिखरी हुई कांग्रेस को बचाना नहीं है। राहुल गांधी की असली चुनौती है एक ऐसे प्रचार तंत्र से मुकाबला करना, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी मशीनरी से मुकाबला करना जिसका कोई सानी नहीं है, जो अप्रत्याशित है, जो हर कदम हर लम्हे राहुल गांधी को देशद्रोही बताते हैं। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, राहुल गांधी विलायत में हैं, लंदन में हैं। कैम्ब्रिज गए तो पूरे भाजपा प्रचार तंत्र को मिर्ची लग गई। वहां पर जब उन्होंने कुछ बातें की, तो जैसा कि आप मीडिया का कवरेज देख सकते हैं दोस्तों, हर मीडिया चैनल ने उन्हें लगभग देशद्रोही करार दे दिया। सब यही कह रहे थे कि राहुल गांधी देश की बेइज्जती विदेशी जमीन पर क्यों कर रहे हैं। मगर क्या यह हकीकत है? क्या विपक्ष के एक नेता को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? राहुल गांधी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि मैंने विदेशी जमीन पर देश की बेइज्जती नहीं की। देश की बेइज्जती तो प्रधानमंत्री ने की थी, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस नारे, किस बयान का जिक्र कर रहे हैं वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जी हां, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां प्रधानमंत्री कोसों दूर दूर तक नजर नहीं आते। जी हां, पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की नाराजगी सामने उभर कर आई। उन्होंने कहा कि देश का अपमान मैंने नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। I have never defamed my country. I'm not interested in it. I will never do it. Of course, the BJP like to twist what I say. That's fine. And the media likes to sort of play it up. I mean, it gives you TRPs and all. But the fact of the matter is, the person who defames India when he goes abroad is the Prime Minister of India. Okay, that's a You haven't heard his speech where he said, yes, where he said nothing happened in 70 years, right? Insulting every single Indian, insulting every single Indian's parents, grandparents. Rahul Gandhi, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस बयान का जिक्र कर रहे थे दोस्तों? राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का जिक्र कर रहे थे जब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी जमीन पर जाकर कहा था कि एक जमाने में भारत की ये हालत थी कि उस हालत को लेकर हमें शर्मिंदगी होती थी। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। यार, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग मुझसे सवाल करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बेइज्जती की। तो इसका सरल और आसान जवाब यह है कि अगर राहुल गांधी ने पेगासस का मुद्दा उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करके, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करके बात कही, और अगर आप उसे देशद्रोह मानते हैं, तो जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी आपके सामने कही वो भी देश की बेइज्जती है। मगर मेरी निजी राय आप जाने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां जो भी कुछ कहा वो देश के खिलाफ नहीं कहा। उसी तरह से राहुल गांधी ने जो भी कुछ कहा वो देश के खिलाफ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देश एक खूबसूरत लोकतंत्र है, कम से कम हुआ करता था, और इस खूबसूरत लोकतंत्र में आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, आपको अपनी सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। सरकार अगर लोकतांत्रिक मूल्यों को रौंद रही है तो आपको उसकी आलोचना करने का अधिकार है। और जो भारतीय विदेशी जमीन में जाकर बस गए हैं, उनसे मेरा सवाल, आपने भारत क्यों छोड़ा?
आपने भी तो भारत इसलिए छोड़ा ना क्योंकि भारत में जो हालात थे आप उससे संतुष्ट नहीं थे, और सबसे बड़ी बात जो एनआरआईज लंदन में बैठ के या अमेरिका में बैठकर मोदी मोदी करते हैं, अगर पिछले 8 या 9 सालों में रामराज्य आ गया है तो मैं आपको चुनौती देता हूं, आइए भारत में, अमेरिका और ब्रिटेन में अपने सारे धंधे बेचिए और भारत में आके निवेश कीजिए, पैसा लगाइए, हिम्मत है, मोदी मोदी करना बहुत आसान है दोस्तों, अगर है दम तो भारत में आके तरक्की करो, यहां पर पैसा लगाओ और फिर मैं तुम्हारी देशभक्ति को देशभक्ति मानूंगा, अन्यथा ये सिर्फ अंधभक्ति है। राहुल गांधी से यह भी सवाल पूछा गया दोस्तों कि इस पूरे प्रचार के पीछे दरअसल है कौन, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो गौतम अडानी से सवाल पूछते हैं, और क्यों ना पूछें, क्योंकि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी तो गौतम अडानी दुनिया के 609वें सबसे धनी व्यक्ति थे, फिर वो दूसरे नंबर पर आ गए, और जॉर्ज सोरोस तो सिर्फ सामान्य सवाल पूछ रहे हैं, गौतम अडानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मुंह खोलना पड़ेगा, ये बात राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, आइए सुनते हैं दोस्तों। मिस्टर अडानी हैज गॉन फ्रॉम बीइंग द 609th richest man to the second richest man in a matter of 3 years. I can see that he's rewarded across the board. I can see he's allowed to dominate industries in every industry in the country, and that, you know, we don't need Mr. George Soros to tell us that. We can clearly see it's happening. दोस्तों, राहुल गांधी ने न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी हाउंसलो भी गए, वहां पर जो भारतीय बसे हुए हैं उन्हें भी संबोधित किया, और उन्होंने उनसे कहा कि अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है कि एक भारतीय नेता को किसी भारतीय यूनिवर्सिटी में जगह नहीं मिलती अपनी बात कहने के लिए, उसे कैम्ब्रिज आना पड़ता है अपनी बात रखने के लिए। बकौल राहुल गांधी, कहीं ना कहीं ये इस देश के लोकतंत्र पर सवाल है। क्या कहा राहुल गांधी ने, आइए सुनते हैं। इट इज क्वाइट स्ट्रेंज दैट इंडियन पॉलिटिकल लीडर कैन गिव अ टॉक इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, but he can't give a talk in India, in a university in India. राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान चाइना पर दिए गए बयान को लेकर भी उनकी खासी आलोचना की, उन्हें चीन परस्त भी बताया गया, मगर राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि यह सरकार चीन की ज्यादतियों पर पूरी तरह से खामोश है। और वैसे देखा भी जाए तो हाथ कंगन को आरसी क्या, एक सीधा और सरल सवाल, और ये दो चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब चीन के साथ हमारा गालवान घाटी में संघर्ष होता है, हमारे 21 जवान शहीद हो जाते हैं, वो दिन है और आज का दिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से आज तक चीन शब्द नहीं निकला, क्यों? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना। और सबसे बड़ी बात, विदेश मंत्री हाल ही में एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में विदेश मंत्री ने जानते हैं क्या कहा था? विदेश मंत्री ने कहा था कि चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम एक छोटी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे मुकाबला करें सैनिक तौर पर? दोस्तों, अगर यही बात किसी कांग्रेसी नेता ने कही होती तो पूरा प्रचार तंत्र, पूरा पालतू मीडिया उन्हें देशद्रोही करार देता, क्योंकि अगर देखा जाए तो यह बहुत ही गंभीर बयान है। आप कहीं ना कहीं देश के सैनिकों की तौहीन कर रहे हो यह कहकर कि हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था से मुकाबला नहीं कर सकते। यह बात किसी और ने नहीं, देश के विदेश मंत्री ने कही है। वो विदेश मंत्री जिनके बयान और किसी ट्रोल के बयान में कोई फर्क नहीं दिखाई देता कभी कभी, वो विदेश मंत्री जो कांग्रेस के मुताबिक एक बहुत बड़ी नाकामी है।
बड़ा प्रश्न जब प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से चीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, जब विदेश मंत्री ने यह तक कह दिया कि हम चीन से कैसे मुकाबला करें, वो तो हमसे बड़े हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे में राहुल गांधी चाहे जो भी कहें वो तो बहुत छोटा हो जाता है उसके सामने। ये तो तथ्य है ना, बयान विदेश मंत्री का आपके सामने है, तो ऐसे में चीन के सामने कौन झुका, देश के विदेश मंत्री या राहुल गांधी? क्योंकि राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि चीन को लेकर कड़ाई बरतने की जरूरत है, मगर ऐसे तल्ख तेवर न विदेश मंत्री दिखाते हैं न देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। द कांग्रेस पार्टीज पॉलिसी ऑन चाइना इज वेरी क्लियर। वी डू नॉट एक्सेप्ट एनीबॉडी एंटरिंग आवर टेरिटरी एंड पुशिंग अस अराउंड एंड बुलिंग अस। Doesn't matter who they are, that's not acceptable to us. And what has happened is that the Chinese have entered our territory, killed our soldiers, and the Prime Minister has denied it. That's the problem. दोस्तों दरअसल राहुल गांधी की विदेश यात्रा, ये कहा जाए ब्रिटेन यात्रा को लेकर जो सारा बवाल हुआ है ना, वो उनके उस बयान पर हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे फोन की हैकिंग पेगासस के जरिए हुई। उनके इस बयान के बाद पूरा भारतीय प्रचार तंत्र उन पर चढ़ गया। आपके स्क्रीन्स पर यह देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि पेगासस राहुल के दिमाग में है। सबसे पहले मैं चाहूंगा राहुल गांधी ने क्या कहा वो आप सुनिए, मैं फिर उसकी चर्चा करता हूं। That's what I described. Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. दोस्तों प्रचार तंत्र यह भी कह रहा है कि भाई पेगासस पर तो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है और यह तक कहा है कि भाई किसी फोन में कोई पेगासस नहीं है। गलत जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजें कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैलवेयर मिलने के प्रमाण हैं, मगर अभी हमारे पास ये सबूत नहीं है कि हम यह प्रमाणित कर सकें कि वो पेगासस है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में यह कहा था कि सरकार ने उसे सहयोग नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस होने को सिरे से खारिज नहीं किया। मैं चुनौती देता हूं पूरे प्रचार तंत्र को कि सुप्रीम कोर्ट के इस बयान को सामने जाहिर करें जिसमें उन्होंने कहा कि किसी फोन के अंदर पेगासस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास अभी प्रमाण नहीं है कि जो मैलवेयर मिला है वो पेगासस है या नहीं, नंबर एक। नंबर दो, सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिला है। भाई जब बात देश के आन बान शान की हो, देश के साख की हो, तो आखिर मोदी सरकार पीछे क्यों हट रही है पेगासस को लेकर? उन्हें तो सामने आना चाहिए, देश की जनता के सामने हकीकत रखनी चाहिए। दोस्तों आज का पूरा कार्यक्रम यही प्रमाणित करता है कि राहुल गांधी का मुकाबला सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं है, राहुल गांधी का असली मुकाबला है कि एक पूरा प्रचार तंत्र जो भारत के 95% घरों तक पहुंचता है, यानी कि गोदी मीडिया, व्हाट्सएप का प्रचार, वो प्रचार तंत्र राहुल गांधी को देशद्रोही बताता है, राहुल गांधी का मजाक उड़ाता है, राहुल गांधी पर हर पल हर कदम पर हमला करता है। जब तक देश की उस जनता में राहुल गांधी की वो छवि है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे हराएंगे? मगर मैं ये बात कई बार कह चुका हूं कि मुद्दों के जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना है, राहुल गांधी को नहीं। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें नाकाम मानती है, नाकारा मानती है, तो फिर आप उन्हें गंभीरता से क्यों लेते हैं? उनके एक एक शब्द पर रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, जी हां, वैसे खबर पता है कि नहीं आपको, स्मृति ईरानी IIM उदयपुर की विजिटिंग प्रोफेसर बनने वाली हैं। वाह, वो स्मृति ईरानी जिनकी डिग्री को लेकर,
जिनकी शैक्षणिक काबिलियत को लेकर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर ढेरों सवाल हैं, वो आईआईएम उदयपुर की विजिटिंग प्रोफेसर बनने वाली हैं। बहरहाल जो बात मैं कर रहा था वो ये कह रहा था कि स्मृति ईरानी वो भी आ जाती है राहुल गांधी पर हमला बोलने। तो राहुल गांधी का मुकाबला इस प्रचार तंत्र के साथ है। राजनीतिक तौर पर भी उन्हें पार्टी को समेटना है, नंबर एक। नंबर दो, उन्हें देश की जनता को वैकल्पिक आर्थिक नजरिया पेश करना है जिसके जरिए वो देश की समस्याओं को दूर कर सकें। मगर वो चुनौतियां तो बहुत दूर की बात है और मुझे ऐसा लगता है कि वक्त बहुत कम है। 2024 के लिए सवा साल भी नहीं रह गया दोस्तों। ऐसे में इस एक साल में राहुल गांधी को न सिर्फ अपनी छवि को सुधारनी है, कांग्रेस की तरफ से देश की जनता को एक वैकल्पिक योजना देनी है, मगर सबसे बड़ी बात उस क्रूर प्रचार तंत्र, उन एजेंसीज का सामना करना है जो हर पल हर कदम कांग्रेस को रौंद रही हैं। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।